हेलो एवरीबॉडी, आप सबका इंग्लिश बाबा चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश बाबा की यही कोशिश रहती है आपको हर एग्ज़ाम की आंसर की जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। तो आज 12th का बायोलॉजी का पेपर हुआ है, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों हमारे सामने हैं, जिसमें हम सेट वन को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सेट वन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स कैन हेल्प टू डायग्नोज द पैथोजन मच बिफोर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर इन द पेशेंट, सजेस्ट एनी टू सच टेक्निक्स। तो इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको आप कह सकते हैं ELISA, एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PCR। सो सेकेंड जो इसका क्वेश्चन था वो ये था, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, मेंशन द फॉर्म इन विच इनएक्टिव प्रोटीन टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस थुरिंजिनिस, हाउ डिड इट गेट एक्टिवेटेड इन द पेस्ट बॉडी टू किल इट। सो जो ये नेम है आपको जो यहाँ मेंशन किया है, उसके लिए आंसर है क्रिस्टलाइन प्रोटीन। इट गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू एल्कलिन पीएच इन द गट विच सॉल्युबिलाइजेस द क्रिस्टल्स। अब हम लेने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज स्विस चीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज होल्स, नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप अपनी स्क्रीन पे इसका आंसर देख सकते हैं, दिस इज द बैक्टीरियम। Now, third question. What do X and Y represent in the transcription unit of DNA molecule shown? इसमें X और Y क्या हैं? आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. X is structural gene and Y is terminator gene. अब हम करने जा रहे हैं question number 4. Name the disorder in humans with the following karyotype. First is 22 pairs of autosomes plus XO, जिसका आंसर है टर्नर्स सिंड्रोम। फर्स्ट का आंसर टर्नर्स सिंड्रोम। सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट, फोर्थ का, 22 pairs of autosomes plus 21st क्रोमोसोम प्लस XY, जिसका आंसर है डाउन्स सिंड्रोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, The diploid number of chromosomes in an angiospermic plant is 16. What will be the number of chromosome in its endosperm and antipodal cells? Iska solution aap apni screen pe dekh sakte hain. 2n is equal to 16. N is equal to 16 by 2 and the value of n is 8. Yahan hamare paas n ki value aa gayi hai 8. एंडोस्पर्म के लिए होता है 3n, जहां आप n की वैल्यू पुट करके उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निकालेंगे, दैट विल बी 24। एंटीपोडल सेल में वो n होते हैं, तो 8 क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे। अब हम लेने जा रहे हैं 5 का और पार्ट, स्टेट द रीजन व्हाई पॉलन ग्रेन्स लूज देयर वायबिलिटी व्हेन द टेपटम इन द एंथर इज माल फंक्शनिंग। इसका आंसर है बिकॉज टेप्टम प्रोटेक्ट एंथर फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है जब वो सूख जाता है। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स इंटू मेच्योर स्पर्मा टोजोआ और स्पर्म्स। ये मैं पढ़ रही हूँ स्पर्मियोजेनेसिस का। अब है स्पर्मिएशन, स्पर्म्स गेट अटैच टू सर्टोली सेल्स टू ड्रॉ नरिशमेंट एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, यू आर गिवन अ टॉल पी प्लांट एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स जेनोटाइप। How would you find its genotype? Explain. ये 10th क्लास में भी आपने इसका कुछ टॉपिक कभी पढ़ा होगा। तो आंसर इज बाय टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ प्लांट, TT कैपिटल
और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विद रिसेसिव प्लांट टी टी स्मॉल टी. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. साइंटिस्ट ट्राइड टू डेवलप अ सिंगल प्लांट एग्जिबिटिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो बाय यूजिंग सेल्स फ्रॉम टोमेटो एंड पोटैटो प्लांट्स रिस्पेक्टिवली. नेम द प्रोसीजर एंड लिस्ट द स्टेप्स टू अचीव दिस. आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. आंसर इज बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम बोथ दैट इज टोमेटो एंड पोटैटो सेल इज मिक्स्ड इन दिस प्रोसेस. अब मैं लेने जा रही हूँ सेट 2 का सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सेट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनिशिएट सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. इसका आंसर है LAB, दैट इज जो उसका नाम आपको गिवन है, प्रोड्यूस एंजाइम लैक्टोज विच कन्वर्ट लैक्टोज इंटू लैक्टिक एसिड. उसमें जो एंजाइम बनता है लैक्टोज वो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन सेट 1 में आप ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स क्वेश्चन है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द ट्रॉपिकल शुगर केन वेराइटी ऑफ साउथ इंडिया. वाई वॉज द नीड फेल्ट टू क्रॉस इट विद शुगर केन वेराइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया. इसका आंसर है सैकरम ऑफिसिनेरम इज ट्रॉपिकल शुगर केन वेराइटी ऑफ साउथ इंडिया. इट वॉज क्रॉस्ड विद नॉर्थ इंडियन वेराइटी ऑफ शुगर केन टू इंक्रीज शुगर कंटेंट ऑफ सैकरम ऑफिसिनेरम नॉर्थ इंडियन शुगर केन वेराइटी. सॉरी, इसको उसके साथ क्यों क्रॉस करवाया गया था, उसके शुगर कंटेंट को बढ़ाने के लिए. बिकॉज इन द सैकरम ऑफिसिनेरम हैज़ गुड शुगर कंटेंट हायर यील्ड एंड थिकर स्टेम. अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था तो अब हम इसको इस सेट में कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट है, How will you measure population density of fish in a lake? तो इसका आंसर है by calculating number of fishes per unit area and using the formula. फॉर्मूला आप यूज करेंगे population density of fishes, density निकालने का फॉर्मूला number of fishes upon unit area. अब इसका सेकेंड क्वेश्चन था, in a pond there are 100 frogs, 20 more were born in a year. कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ दिस पॉपुलेशन. बर्थ रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको जो उसमें नंबर गिवन है कितने ऐड हुए, 20 और हुए तो 20 ऊपर और जो टोटल पहले थे 100 वो नीचे, तो कितना हुआ पर ईयर, 0.2 पर ईयर. जैसे कि हमने सेट 1 और सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस किए, अब हम जा रहे हैं सेट 3 की तरफ, जिसमें मैं पहले क्वेश्चन लेने जा रही हूँ सेकंड, क्योंकि जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 था. आप देख सकते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेट 1. सेकंड क्वेश्चन इसका है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक फार्मर्स. इसका आंसर है they help in formation of mycorrhiza which help plants to absorb nutrients from soil. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सेट 1 में आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो आपने किया था वही है. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 था एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 था. अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. ह्यूमंस आर कैटेगराइज्ड एज रेगुलेटर्स, एक्सप्लेन हाउ दे मेंटेन अ कांस्टेंट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इसका आंसर है ये, बिकॉज दे आर एबल टू अंडरटेक बोथ ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 था बिल्कुल सेम उसी जैसा है. अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर
8. Scientists are trying to solve the issues of malnutrition and hunger by using microbes. By taking one suitable example, explain how they have been able to help. Answer is, scientists are trying to develop single cell protein, which are good source of proteins. For example, mushroom and spirulina can grow on medium and used as single cell protein. So I hope जितने भी हमने आज questions लिए आपके लिए helpful थे, आपको help मिलेगी आपने जितना भी exam में किया था वो सब check करने के लिए. सो इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट वेट, सब्सक्राइब इट नाउ एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू.